वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है गाइज अपनी RS 200 के पीछे वाले टायर के ऊपर पे। सो गाइज फाइनली अभी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है और गाइज 2 महीने बाद में आया है हमारा अपोलो अल्फा S1 टायर। अभी आप लोग देखो पीछे रखा है। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर में हम अपनी जो RS 200 है उसके अंदर पे ये न्यू वाले टायर को इंस्टॉल करवाएंगे और देखेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह वो किस टाइप की होने वाली है। और गाइज वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइज वीडियो को जो है वो लाइक कर देना और गाइज वीडियो को ना एंड तक देखना। और गाइज अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं की हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज जाकर के फॉलो करो। और गाइज अभी अपने चैनल पर बहुत ही जल्द 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। सो गाइज ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही गाइज पॉसिबल हो पा रहा है। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें आगे ही बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियोस वगैरह लेके आने वाला हूँ। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में हमें अपोलो अल्फा S1 टायर देखने को मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से, और आप लोग पैकेजिंग वगैरह एक बार अच्छी तरीके से देख लो। सो चलिए गाइज जल्दी से मैं रैपर वगैरह हटा लेता हूँ, देन मैं आप लोग को टायर की कंडीशन दिखाता हूँ कि हमें टायर जो है वो किस कंडीशन में रिसीव हुआ है। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for. तो गाइस हमें टायर बहुत ही अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ है। अभी मैं आप लोगों को एक बार टायर की कंडीशन अच्छे से दिखाता हूँ। अपोलो अल्फा S1 140/60R17। और मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि गाइस टायर की कब की मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखिए गाइस आप लोग 4th हफ्ता 2021। सो गाइस आप लोग देखो टायर एकदम ब्रांड न्यू है। और आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस आप लोग ये वाले टायर की ग्रिप अच्छी लग रही है या फिर ये वाली की। इसका नाम है C8 Zoom 140/60R17। और गाइज़ ये वाला जो टायर है ये डबल कंपाउंड टायर है। साइड में आप लोगों को सॉफ्ट कंपाउंड देखने को मिलेगा और जो गाइज़ बीच वाला पोर्शन है इसमें आप लोगों को हार्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसके कारण कि गाइज़ बाइक का जो माइलेज है वो थोड़ा कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। और कॉर्नरिंग के टाइम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। और आप लोग चाहो तो इससे थोड़े बहुत आप लोग ऑफ रोड वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोग देखो इसमें आप लोग कट्स वगैरह भी थोड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और गाइज़ इसकी जो स्पीड रेटिंग है वो है 210 किलोमीटर पर आर। तो आप लोग देखो, और अपनी RS 200 टायर इतनी केपेबल नहीं है कि 210 किलोमीटर पर आर कर पाए। सो गाइज़ ये वाला जो टायर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग टायर वगैरह परचेस करना चाहते हो तो आप लोग अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो, क्योंकि गाइज बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में आप लोग को ये टायर अमेज़ॉन पर देखने को मिलेगा। सो चलिए गाइज जल्दी से जाते हैं शॉप पर और इस ब्रांड न्यू अपोलो अल्फा S1 टायर को इंस्टॉल करवाते हैं अपनी RS 200 पर और देखेंगे कि लुकिंग वगैरह किस टाइप से निकल के आती है टायर की और जो परफॉर्मेंस वगैरह वो किस टाइप से रहने वाली है। और आप लोग देखो ये वाला जो टायर है इसमें अभी ग्रिप बची हुई है तो थोड़ा बर्नआउट वगैरह मारेंगे, पूरा ब्लास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो शॉप है वो मेन मार्केट पे पड़ती है और बर्नआउट वगैरह तो यार अपन मेन मार्केट पे नहीं मार सकते। तो उसके लिए अपन एक क्लोज एनवायरनमेंट देखेंगे, देन बर्नआउट वगैरह थोड़ा मार के और वो शॉप पर फिर जाएंगे और टायर को चेंज करवाएंगे। Just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe them. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way. I'm going up now. Up now. And I ain't never gonna touch down. Touch down. गाइज अभी मैं एक छोटी सी राइड पर आया हुआ था इस टायर को टेस्ट करने के लिए, और गाइज टायर के जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कॉर्नरिंग पे तो यार बहुत प्यारा रिस्पांस दे रहा है ये अपोलो अल्फा S1 टायर। सो गाइज अगर आप लोग RS 200 के लिए अगर एक बेस्ट टायर देख रहे हो तो गाइज आप लोग अपोलो अल्फा S1 की तरफ जा सकते हो, बहुत प्यारा टायर है।
और ब्रेकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा शानदार है, बाइक एकदम रोड पर चिपक के चल रही है। सो गाइस उस दिन मैंने बर्नआउट वगैरह इसलिए नहीं मारा था क्योंकि जहाँ पर मैं ये टायर चेंज करवा रहा था उसके बाजू वाले शॉप वाले ने मुझे ऑफ़र किया कि भाई मैं ये टायर परचेस कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने वो वाला जो टायर था वो भाई को दे दिया। सो बर्नआउट वगैरह मार के यार कोई मतलब नहीं था, बिन मतलब पेट्रोल ही वेस्ट होता। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियोज़ वगैरह लेके आने वाला हूँ।